वेलकम टू यम टेस्ट फैमिली। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार सी स्वीट्स मेरी स्टाइल में। जब हम घी निकालते हैं तो ये जो खोया हमारा बचता है इससे हम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हमें ये स्वीट्स बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी। अब ये देखिए, घी को मैंने सेपरेट कर लिया है और ये हमारा उसका खोआ है। ये हमारा तकरीबन 2 कप है। 2 कप मैदा, आधा कप मिक्स्ड फ्रूट, कोई भी जो भी आपको पसंद हो, मिक्स ड्राई फ्रूट। यहाँ मैंने लिया है किशमिश, बादाम और काजू, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। हाफ कप पाउडर्ड शुगर, हाफ कप घी या ऑयल, जो भी आपको पसंद हो, और आटा गूंदने के लिए पानी और थोड़ा सा नमक। सबसे पहले हमने आटे में नमक और घी डाल के अच्छे से गूंद लिया था, फिर उसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया। अब हम उसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर उसे बेल लेंगे। अब ये देखिए, हमने इसे छोटा छोटा बेल लिया है। अब आइए आते हैं मेन इंग्रेडिएंट के पास। ये मैंने ले लिया है घी में का बचा हुआ खोया। अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप पाउडर शुगर, ड्राई फ्रूट्स। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम ये एक बेला हुआ आटा रखेंगे और इसके ऊपर हम फिलिंग को रखेंगे। इसके ऊपर हम ये दूसरे आटे को रखेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। पहले हम इसकी साइड साइड पे ये पानी लगा लेंगे। ऐसे रखने के बाद इसको आप फोर्क की मदद से ऐसे चिपका देंगे। अब ये हमारी सारी गुजिया तैयार है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब ये ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम गुजिया को डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये हमारी मजेदार गुजिया तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।